छुट्टी लेते हैं, कॉलेज लेते हैं, इससे हमारे खर्चे चल रहे हैं। तो हुकूमत हमारे रोजी रोटी पे क्यों लात मारती है? हमारा कसूर क्या है? हम तो यही कहेंगे कि हमारे बड़ों ने जैसे बोला कि हम टैक्स देने के हक में नहीं है, हम टैक्स दे नहीं सकते, इसके लिए देने के हक में नहीं है। अगर हो सकता था तो दे देते। जिस तरह दो दफ़ा पहले भी यही टैक्स हमारे ऊपर लगी थी और हुकूमत हमारे साथ बात कर करके अधूरी छोड़ देती है, तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि जरगर बिरादरी पर, सराफा बिरादरी पर, आल पाकिस्तान जितने लोगों पर भी ये टैक्स लगे होते हैं, ये बराए मेहरबानी ये उसको ख़त्म कर दे। ये 300 फुट वाला, ये 600 फुट वाला, हम किसी फुट को नहीं मानते, हम किसी भी चीज़ को नहीं मानते। वो इसलिए कि इससे पहले हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिलों में जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो वो भी हम नहीं दे सकते। जो बिल हमारे मुनासिब आते हैं हम वो पूरा कर ले, तो ये भी हमारे लिए मेरे ख्याल काफ़ी होगा। जैसे हमारे बड़ों ने हुक्म दिया है और पाकिस्तान की सतह पर ये हमारे मुतालिबात अगर माने नहीं गए, तो इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद हमारा इकदाम जो है वो कुछ और किस्म का होगा और पूरा पाकिस्तान सराफा बिरादरी सड़कों पे आएगा इंशाल्लाह। न जेलों से डरेंगे और ना किसी बात से हुकूमत से हम नहीं डरेंगे। मेहरबानी। रहमान रहीम मंगा सराफा जेम एंजीलर एसोसिएशन दोस्तों पर सरहद गाजी अमीन हुसैन बाबर से भी पकियादत के नन रागली प्रेस क्लब था और अकबल हक हक आवाज उचता हूँ और इन शाला का रखो पूरे मजम का वो क्या होता है जती जिता सो पूरे हुकूमत जमुन मुतालबात नहीं मान ली, हुकूमत जमुन ने टैक्स ना नहीं लेत करी, मंग दा टैक्स ना नहीं शुअर को ले, मंग के बिल के बिल के दा टैक्स ना नहीं शुअर को ले, हुकूमत के जमुन पर हाल रहा मुकी मंग हम दे मर खा ले क्यों हम दे पाकिस्तानी आ लियो जमुन के हमते न मानू तरहे पूरे मम टैक्स ना वर को चुकू मंग ना मानू ना